आपको बताएं कि पत्तोकी के इलाके फूलनगर में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई है। छत गिरने से एक ही खानदान के 6 अफराद मलबे के नीचे दब गए हैं और रेस्क्यू टीमों ने मलबे तले दबे अफराद को निकाल लिया है। तमाम अफराद शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। पत्तोकी का इलाका है फूलनगर, जहां पर बारिश के बायस मकान की छत गिर गई है और छत गिरने से एक ही खानदान के 6 अफराद मलबे तले दब गए हैं। रेस्क्यू टीमों की जानिब से फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाई की गई, जिसके नतीजे में मलबे तले दबे अफराद को निकाल लिया गया है। मजीद इसी पर तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा GNN न्यूज तनवीर हमारे साथ मौजूद है। तनवीर, बताइएगा मजीद इस वाके से मुतालिक क्या डिटेल्स हैं? जी अमान, ये फूलनगर स्पोर्ट्स स्टेडियम के करीब बारिश के बायस एक मकान की खस्ता हाल छत गिरी है, जिसके मलबे तले आकर एक ही खानदान के 6 अफराद जख्मी हुए हैं। वाकया की इतला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमें मौके पर पहुंची और मलबे को हटाकर जख्मियों को निकाल लिया गया है और उन्हें तिब्बी इमदाद के लिए RHC अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मियों में 35 साल बशीर, 9 साल अवैध, 26 साल रिमशा, 35 साल हीरा, 2 साल अब्दुल्ला और 26 साल आबद शामिल हैं। तमाम जख्मियों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तनवीर अहमद कादरी, आपने आगाह किया।